समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और समर्स में ठंडे ठंडे दही बिल्ले मिल जाए खाने के लिए तो फिर क्या, पर उसके लिए किचन में इतनी मेहनत कौन करे, कौन इतना दाल पीसे तले। लेकिन आज आपके साथ शेयर करूँगी 5 मिनट में बनने वाले बिना तले दही बल्ले की रेसिपी, जो कि इतनी टेस्टी बनेगी कि आप ओरिजिनल दही बल्ले जो कि दाल से बनते हैं उसका टेस्ट भूल जाओगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्ट ऑफ लाइफ। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रेश ब्रेड। ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, तभी हमारे दही बल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। और उसे मैंने लिया, मैंने 4 स्लाइसेस दी क्योंकि मुझे अपने लिए 4 दही बल्ले बनाने थे। तो और उसके कॉर्नर्स को मैंने इस तरीके से देखिए काट लिया। काटने के बाद मैंने एक बोल में पानी लिया और जो हमने स्लाइसेस काट के रखी है कॉर्नर्स के साथ उसे मैंने हल्का सा डिप किया। अब यहाँ पर हमें पानी में उसे भिगो के नहीं रखना है, बस हल्का सा डिप किया और बाहर निकाल के हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से पानी को मैंने दबा के निकाल लिया। एक तरफ मैंने काजू बादाम और किशमिश बिल्कुल बारीक काट के रखी थी वो बीच में डाला, जैसे स्टफिंग जैसे मैंने इसे बीच में डाला और अच्छे से चारों तरफ से एक जैसे पैक करके हमें जैसे एक बॉल बनाना है दही बल्ले के, उस तरीके से टाइटली पैक करके उसके बॉल्स बना लेंगे। तो ये 4 हमारे दही बल्ले के जो बॉल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। उन्हें मैंने एक बोल में डाला और ऊपर से डाला सबसे पहले फ्रेश कर्ड। कर्ड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा अगर आप शक्कर डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो अच्छे से भर के मैंने पहले कर्ड डाला, फिर डाल दिया उसमें इमली की बिल्कुल खट्टी मीठी होममेड चटनी और यहाँ पे धनिया की चटनी जो मैंने बनाई है वो कच्चे आम, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और धनिया डाल के बनाई, जिससे जो टेस्ट है वो एक अलग ही लेवल का हो जाता है। तो वो अच्छे से डाला। मसाले में मैंने डाला थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और गार्निश करा ऊपर से ढेर सारे अनार के दानों के साथ और फिर इन्जॉय किया। गाइस, ये रेसिपी इज़ अ मस्ट ट्राई, बहुत टेस्टी बनती है और आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।